नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। उस घटना को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब डेरा प्रमुख गुरमीत को सजा सुनाई गई थी। उनके समर्थकों ने कोहराम मचा दिया। खट्टर की पुलिस की नाकामी के चलते 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात तो छोड़िए, खट्टर ने अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि पूरे हरियाणा में शांति है, कोई इस्तीफा मांगता है तो मांगता रहे। लेकिन आज बात रियान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद उठे सवालों की। इस मासूम का मर्डर भी खट्टर के शांत हरियाणा में ही हुआ है। 7 साल के इस छात्र की हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सभी के मन में सवाल है कि प्रद्युम्न की मौत का असली जिम्मेदार कौन है। आज बड़ी बहस में हम यही सवाल पूछेंगे। लेकिन सवाल पूछने से पहले एक वीडियो जो कई सवालों के जवाब भी दे रहा है, इसको गौर से देखिए। सर, हम गए थे, कल भी गए थे, परसों भी गए थे आपके पास डीओ ऑफिस में, सुबह से 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। सर, 3 साल से हर बार ऐसा हो रहा है। बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। सर, इन्होंने टॉप की है दिनेश नरोला। दिनेश नरोला जी, हर बार बंद करो, हर बार करते हो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए आप एक आध बार करके जो बात समझौता होता है, समझौते करने पड़ते हैं। अगर वो भी पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो स्कूल चलाए बैठे हैं, इसलिए मिलजुल करके जो कुछ करना पड़ता है। देखा आपने, इस वीडियो को देखकर हरियाणा भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि जिसे आपने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वोट दिया, वही आज स्कूल माफियाओं के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के चहेतों की लिस्ट में शुमार हैं। उन्होंने खट्टर को हरियाणा के भविष्य की चाबी सौंप रखी है। इस वीडियो में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डीपीएस फरीदाबाद में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता हैं, जो 4 महीने पहले स्कूल की मनमानी और प्रताड़ना से परेशान होकर मुख्यमंत्री खट्टर के पास गए थे, ये सोचकर कि बेलगाम होते स्कूलों पर लगाम कसी जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? खट्टर ने कहा कि स्कूल से पंगा मत लेना, वरना बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आज बड़ी बहस में बात हम इसी पर करेंगे, और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरसी जैन साहब, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक एसोसिएशन के। इसके साथ साथ दीपिका शर्मा हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वंदना पोपली हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और आदित्य अग्रवाल, जो कि दिव्यांश के वकील हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर दीपिका शर्मा से। दीपिका जी, रियान इंटरनेशनल गुरुग्राम हो या फिर बसंत कुंज, सबने घटना देखी। अब सारी जगह से, प्रशासन से, सरकार से, और यहां तक कि स्कूल विभाग से तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन होता नहीं है। और जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देश को चौंकाने वाला होगा, क्योंकि इस घटना के बाद चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार के विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री, हर कोई कहता है कि यह गलत है, ऐसा हम नहीं होने देंगे और हमारी सरकार इस पर कड़ी निगाह रख रही है। यह एक स्कूल के माता पिता हैं जो स्कूल की मनमानी, उसकी गुंडागर्दी और उसके तमाम तुगलकी फैसलों के खिलाफ मुख्यमंत्री खट्टर के पास पहुंचे थे। 3 महीने पहले ही सही, 4 महीने पहले ही सही, लेकिन उनको टका सा जवाब आप पढ़ना चाहते हो, वो पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल की शिकायत मत करो, अगर स्कूल से पंगा लोगे तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। कुछ कहना चाहती हैं दीपिका जी, आपकी पार्टी की सरकार? मनोज जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं मनोहर लाल जी को, खट्टर साहब को मैं
व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, वो बेहद संवेदनशील जी और बहुत मृदुलभाषी व्यक्ति हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं। और मुझे इस बात की भी ऑब्जेक्शन है कि जिस प्रकार से आपने अपनी ओपनिंग में, अपने पैकेज में बताया जी कि एजुकेशन माफिया के अंडर हरियाणा सरकार चल रही है जी, तो मैं इसका इस बात का पूर्ण तरीके से खंडन करती हूँ। आपको अधिकार है, आप कर सकती हैं। जी जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी गुरुग्राम की जो पुलिस है वो बॉम्बे पहुँची हुई है, मिस्टर पिंटो को, जो उनके ओनर हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल के, उनको अरेस्ट करने के लिए। मिस्टर पिंटो ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट मूव कर दिया अगेंस्ट हिज अरेस्ट, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने वो फैसला जो है वो कल वो सुनाएगी उसके ऊपर। दूसरी बात ये है कि जो स्कूल के जो दो वरिष्ठ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो भी अरेस्ट हो चुके हैं, और इसके ऊपर पूरी के पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको इस बात से निश्चिंत करती हूँ कि हमारी जो जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी प्रदेशों में हैं, वो बहुत काबिल हैं। और यहाँ मैं मनोज जी, किस शर्त पर आपने कहा कि गुरुग्राम की पुलिस मुंबई पहुंची है कार्रवाई करने के लिए? आपने कहा कि दो लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं पूछता हूं किस कीमत पर? प्रद्युम्न की हत्या पर? आज प्रद्युम्न हम लोगों के साथ नहीं है। अगर हरियाणा की पुलिस वाकई इतनी सक्रिय होती तो आज प्रद्युम्न स्कूल में होता, अपने मां बाप के साथ होगा। आपको अधिकार है खंडन करने का, लेकिन आपके सामने यह वीडियो है, आपके सामने आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो माता पिता को किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, और उन्होंने किसी अधिकारी को अपॉइंट तक नहीं किया। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि ठीक है, ये मेरा सेक्रेटरी है, आप इनसे मिलिए, अपनी शिकायतों को नोट कराइए और ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने क्या कहा आपने सुना? एक बार मैं फिर अपने सहयोगी से कहूंगा कि विस्तार से सुना उनकी आवाज को कि मनोहर लाल खट्टर जब डीपीएस फरीदाबाद के माता पिता की शिकायतें सुन रहे थे तो क्या कह रहे थे। सर हम गए थे, कल भी गए थे, परसों भी गए थे आपके पास डीओ ऑफिस में, सुबह से 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। सर 3 साल से हर बार ऐसा हो रहा है। सर इन्होंने टॉप किए और सर दिनेश नरू, दिनेश नरूला जी, हर बार मत करो, हर बार करते हो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए आप एक आध बार करके जो बात समझौता होता है समझौते करने पड़ते हैं। अगर कोई पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो स्कूल चलाए बैठे हैं, इसलिए मिलजुल करके जो कुछ करना। सर नियमों के हिसाब से फीस दे रहे हैं और वो उंगली दिखा रहा है उनके साथ जो उनका स्टाफ है, जब किसी ने बोलने की कोशिश की तो उसने उंगली दिखाई। दीपिका जी आप पंगा मत लो, आप ये मत करो, और अगर ऐसा करोगे तो बच्चों का भविष्य खराब करोगे। अगर सुन लिया जाता तो आज प्रद्युम्न का भविष्य खराब नहीं होता। मनोज जी स्कूल के सामने शराब का ठेका, अरे नियम है कि मंदिर मस्जिद स्कूल, आप इनके सामने शराब का आसपास भी ठेका नहीं खोल सकते, लेकिन खुला था। आपकी गुरुग्राम का प्रशासन, गुरुग्राम की पुलिस ने उनको इजाजत दी, इसे मैं क्या समझूं, किस तौर पर देखूं? मनोज जी यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगी विनम्रता से। एक तो ये है कि सबसे पहले मुझे खुशी होती कि अगर आप मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन आप स्वयं लेते जाकर, आपका चैनल लेता और उनका पक्ष भी वो सामने रखते। हमने संपर्क किया, उन्होंने समय नहीं दिया जी, तो जैसे इन लोगों को समय नहीं दिया, काफी दिनों से परेशान थे, हमें भी समय नहीं दिया जी। और दूसरी बात है कि जो शराब का जो ठेका था उसका लाइसेंस तो हुडा की सरकार जो 10 साल से हरियाणा में थी उसने दिया था, तो कहीं ना कहीं पे देखिए मैं केवल और केवल एक प्रार्थना आज करना चाहती हूँ। ये इतना संवेदनशील, ये पूरे देश को, ये चाहे वो दिल्ली में हुआ एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ 5 साल की बच्ची के साथ, चाहे वो तेलंगाना में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, मैं समझती हूँ फरुखाबाद में हुआ, मैं समझती हूँ कि ये जो मुद्दा है इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कल जो है देश के HRD मिनिस्टर और WC मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, बहुत अहम मीटिंग हो रही है, जहाँ पे स्कूल के लिए बहुत मेजर वे पे रिफॉर्म्स आएंगे। किस कीमत पर? मैं वही पूछ रहा हूँ, किस कीमत पर जी? प्रद्युम्न की हत्या की कीमत पर? दिव्यांश की हत्या की कीमत पर? सबसे बड़ा सवाल है कि हम घटनाओं का इंतजार क्यों कहते हैं?
नियम है, सरकारी नियम है, उनको फॉलो क्यों नहीं करते? रेगुलर बेसिस पे जो शिक्षा अधिकारी हैं वो क्यों नहीं जाकर स्कूल में देखते कि बाथरूम की दीवार टूटी हुई है, उसकी रेलिंग कटी हुई है और लगातार बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं ड्राइवर क्लीनर उनका बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, सुरक्षा के कोई पैमाने नहीं है, ये घटना के बाद ही क्यों होता है? और वंदना जी, आरोप तो आपके ऊपर ही है, शराब का ठेका तो आपने दिया था, यानी कि कोई नहीं बचा है? देखिए सब शामिल है क्या? सबसे पहले जो अभी यहाँ पर आपने वीडियो दिखाया उसके बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया की, ये प्रदेश के मुखिया का रवैया है, वो कहते हैं कि बच्चों के जो भी कहा जा रहा स्कूल के द्वारा, जब वो फी हाइक के लिए मिलने के लिए गए तो उनको कहा गया कि जो भी स्कूल कह रहे हैं उसे समझौता कर लो, नहीं तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आप बच्चों के भविष्य की बात करें या तो देश का भविष्य खराब हो गया जब बच्चे इस तरह की मौत मर रहे हैं, और उसके बाद क्या जवाब आते हैं जब पेरेंट्स और पत्रकार जाते हैं, पेरेंट्स अपोज करते हैं। ये गुड़गांव के कल की बात बताना चाहूंगी मैं आपको, जब वहां पर जाते हैं तो पत्रकारों को पीटा जाता है, पेरेंट्स को पीटा जाता है, और इन्हीं मुख्यमंत्री जी से जब प्रश्न किया जाता है, मनोज जी यहां बिल्कुल मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोली आपके बीच में, आप जरूर अपनी बात करिएगा। तो जब उनसे पूछा जाता है कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कह रहे हैं ये रनिंग प्रक्रिया है, इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, तो पत्रकारों को पीटना और पेरेंट्स को पीटना उनके लिए रनिंग प्रक्रिया है। दीपिका जी, अभी आप यहाँ पर कह रहे थे कि प्रश्न कि राजनीति नहीं करें, क्या प्रश्न करना राजनीति नहीं है? एक जब प्रदेश का मुखिया इस तरह के शब्दों का यूज करता है, इस तरह के शब्दों का चयन करता है, तो हम क्या कहेंगे उसके रवैये की बात नहीं करेंगे हम कि उनका रवैया क्या जी, है? वंदना जी, यहाँ मैं आपको बहुत पोलाइटनेस के साथ ये कहना चाहूँगी कि जो भाषा की सभ्यता है, कम से कम अभी आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने ट्विटर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोला था, आपके वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी बाहर गए हुए हैं, आज उन्होंने बाहर जाकर वहाँ पे परेशानी है, परेशानी है, हम बात कर रहे हैं देश के बच्चों के भविष्य की, हम बात कर रहे हैं इस देश के स्कूलों की, स्कूलों के हालात की, हम बात कर रहे हैं इस देश में जो हालात बने उनकी, हम बात कर रहे हैं उन सरकारों की जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों की सुरक्षा करना, हम बात कर रहे हैं उन स्कूलों की जिनमें सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, हम बात कर रहे हैं उन स्कूलों की जिसमें तमाम प्रशासनिक व्यवस्था होने के बावजूद भी उनको मॉनिटर नहीं किया जाता। लेकिन मजे परेशानी की बात है कि आप मोदी तक चली जाती हैं, वो राहुल गांधी तक चली जाती है, ये इस देश की एक विडंबना है, इस देश की बीमारी है। आदित्य साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तस्वीर को देखा, आप दिव्यांश के वकील हैं, आप केस लड़ रहे हैं, क्या यही वो बीमारी है हमारे देश की कि चीजें सुधरती नहीं है और जब घटना घटती है तो तस्वीरें कुछ इस तरह की होती हैं, चाहे वो प्रद्युम्न की मौत हो या दिव्यांश की मौत हो? जी, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूं कि जब प्रद्युम्न की ये बुरी खबर सुनने में आई, उसके बाद खट्टर साहब ने एक चीज बोली कि अगर माँ बाप इस इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं है तो हम लोग सीबीआई की जांच करवाएंगे। माँ बाप ने इवन जितने और बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने बोला कि हम लोग खुश नहीं है। क्या सीबीआई की जांच हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सिंपल और सीधी एक बात आती है, मेरे को मेरी बात बोलने दीजिए। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ऐसी कोई चीज सामने आएगी जो वो नहीं चाहते कि सामने आए। यही चीज दिव्यांश के सामने हुई। दिव्यांश वाले केस में क्या हुआ? मनीष सिसोदिया साहब की स्टेटमेंट आई परसों, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं हुई। आज तक हम लोग हाई कोर्ट में इसी मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। हमने एक रुपए का कॉम्पनसेशन नहीं मांगा है। सब जुटेस किस चीज का है? फैसला नहीं दे सकती। प्रद्युम्न के पिताजी ठाकुर साहब जो हैं वो कोर्ट चले गए हैं। क्यों जाना पड़ा? कहीं आपकी तरफ से कुछ देखिए रिएक्शन नहीं आया आपकी सरकार ने? क्या रिएक्शन नहीं आया? ओपन मीडिया में ये वाली बात बोल रहे हैं, जब ओपन मीडिया में बोल रहे हैं कि अगर मां बाप खुश नहीं होंगे तो सीबीआई जांच होगी, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? क्या इस चीज का वेट किया जा रहा है कि एविडेंसेस खत्म हो जाए? क्योंकि आपको एविडेंसेस खराब हो जाए, स्कूलों से पंगा नहीं लेना है, और अगर आप स्कूलों से पंगा लोगे तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि बहुत ही शर्मनाक है, और कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई दो व्यक्ति नहीं है, आप देख रहे हैं कि ना जाने कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री किसी मुख्यमंत्री से मिलना आसान नहीं है, और जब मुख्यमंत्री सामने हैं तो कम से कम चीजों को समझना चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि बार बार मत कीजिए,
अगर आप ऐसा करेंगे तो स्कूल से पंगा लेंगे, और स्कूल से पंगा लेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रद्युम्न की मौत हो चुकी है, उसको दो चाकू मारे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है। स्कूल के अंदर बच्चे जब अपने माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो क्या आप सोच सकते हैं कि स्कूल के अंदर बच्चे का मर्डर हो जाएगा। मेरे साथ आरसी जैन साहब हैं। जैन साहब, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या देखें? देखिए, पहली तो बात यह है कि हम इस घटना से बहुत शर्मसार हैं, हम इस घटना से बहुत दुखी हैं जी। और हमें बहुत बड़ा ये धक्का लगा है कि जिस प्रकार से पेरेंट्स का विश्वास कहीं ना कहीं हिला है, और मैं कई दिन से चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स का क्या, मैं भी कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पेरेंट्स का विश्वास हिला, इससे हम स्कूल जगत में जो भी लोग सक्रिय हैं उनको बहुत ही चोट लगी है जी। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जब बच्चा आता है, ये मेरा मानना है और हमारी जिम्मेदारी भी है, बच्चा स्कूल प्रमिसज में आने के बाद में हमारी जिम्मेदारी में चला जाता है, हमारी कस्टडी में चला जाता है। पेरेंट्स ही इसी आशा और विश्वास के साथ अपना भविष्य हमें सौंपते हैं कि वो हमें वापस सुरक्षित मिलेगा। पर इस स्कूल के बारे में मेरा विशेष ये कहना होगा कि जब जिस समय दिव्यांश की मौत हुई थी, मैं आप ही के चैनल पे था, मैंने उस समय ये कहा था कि इस स्कूल की मैनेजमेंट में कुछ कमियां हैं, वो मैनेजमेंट बॉम्बे में रहती है, 130-140 स्कूल वो चलाती है, यहाँ की जो प्रशासक है जिनको उन्होंने जिम्मेदारी की, वो बहुत बेहतर तरीके से उसको निभा नहीं रहे, और अगर इसका आप सही तरीके से आकलन करेंगे तो किसी प्रद्युम्न की आगे मौत नहीं होगी। पर उस समय किस कारण से उस पर दिल्ली की सरकार ढिलाई छोड़ गई या कौन ढिलाई छोड़ गई, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। बाकी ये जरूर है कि स्कूल में कुछ खामियां थी, खिड़की के शीशे टूटे पड़े थे, ग्रिल टूटी पड़ी थी, उसके लिए वो जो खामियां है उसी के कारण आज का प्रशासन अंदर है। 9 सितंबर की घटना जैन साहब आपको याद है, गांधीनगर टैगोर पब्लिक स्कूल के एक चपरासी 5 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, उसके लिए भी मैं आपको किसी एक जगह की घटना नहीं है, मैं उसके लिए भी बताना चाहूंगा। देखिए, वो जो बच्ची है और वो जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर एक तो उस स्कूल का कर्मचारी नहीं है, वो रिक्शा में बच्चे लाता है और ले जाता है, और शनिवार के दिन स्कूल में होती है छुट्टी, स्कूल बंद होता है, वो ट्यूशन के लिए बच्चे वहां पे आए थे, और ये घटना घड़ी बहुत शर्मसार है। इसके लिए स्कूल के अंदर की घटना है ना, स्कूल के अंदर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल की सहमति है, और अगर स्कूल के अंदर इस तरह की घटना हो रही है उसमें भी यही आ रहा है कि ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है, 4-5 महीने पहले 6 महीने पहले उसे रखा गया। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए मनोज जी, मेरी बात सुनिएगा, हम शोर मचा के किसी चचाई को दबा नहीं सकते। वो उससे पहले 2-3 स्कूलों में कई सालों से काम करता रहा है, और आसपास के स्कूल हैं जिनमें वो काम करता रहा है। अब किस आदमी के दिमाग में कब शैतान सवार हो जाए, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार की घटना ने हमारे समाज को कहीं ना कहीं जरूर लाया। और इसके बाद मैं ये विशेष तौर से आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी 23 तारीख को दिल्ली के पब्लिक स्कूलों ने फिर मीटिंग रखी है, महीने में मीटिंग रखते हैं, और इस प्रकार की जहाँ की सुरक्षा में कमी रहती है उसका वो भी करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट का हमारे ऊपर बड़ा तकड़ा डंडा है, जिसके अंतर्गत हमारे हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे, इवन बसों में भी आपको सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे। जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो उसमें एक हमारी लेडी टीचर भी होती है, जो बच्चे को पहले बच्चे से लेकर आखिरी बच्चे तक बस में होती है। ऐसे मामले में हम पूरी तरह से चुकन्ने हैं, पर कहीं अगर इस प्रकार की कोई चूक हुई है तो उसके लिए हम अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, हम उसके लिए आपको शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं इससे ज़्यादा भरोसा किसी के ऊपर पेरेंट्स नहीं कर सकते थे। अब इसके लिए चूंकि एक बहुत बड़े अब हम ये मानते हैं कि शायद इस बार जिस प्रकार से कोर्ट आगे आई, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी भी इस पर विशेष अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, मैं ये शायद मानता हूँ कि इस बार ये शायद इस देश में आखिरी घटना होगी जो हमारे बीच से एक बहुत ही होनहार बच्चा हमारी आंखों के सामने से चला गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा, बाकी ये जरूर है कि एक घटना के लिए हम लाखों स्कूल हिंदुस्तान में चलते हैं, सबको आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमने अगर 100 बढ़िया काम किया और एक गलती की है तो मानता हूँ कि वो एक गलती सब 100 अच्छे कामों को दबा देगी, पर उसके लिए हमारे लेकिन जैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, बताइए क्या आप नहीं मानते कि जो स्कूल हैं, हर स्कूल इस तरह की घटना वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन आप इस तरह के स्कूलों से उम्मीद कर सकते हैं? ये बड़े बड़े स्कूल हैं, अगर आप इन्हें स्टार रेटिंग दें तो 5-स्टार रेटिंग पर आते हैं जी। ऐसे परिवार के बच्चे इन स्कूल में पढ़ते हैं जो सक्षम हैं जी, और इस उम्मीद के साथ इन स्कूल में भेजते हैं जी कि हमारा बच्चा सुरक्षित होगा जी। उसके बाद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं जी,
तो आप इसे क्या कहेंगे, तब भी आप इनका पक्ष नहीं लेंगे? नहीं, पक्ष की बात नहीं, देखिए जो सही चीज है उसको मैं बोलूंगा। सीबीएसई का एक नियम है कि हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती है जो बहुत पावरफुल होती है। इस स्कूल में कहीं ना कहीं पेरेंट्स या टीचर या मैनेजमेंट की कोई कमी रही होगी जो उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई है, अदरवाइज तो जितनी भी इस प्रकार। लेकिन आप उसे क्या कहेंगे कि खट्टर बोल रहे थे कि स्कूल से पंगा मत लेना, अगर पंगा लोगे तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा? देखिए किस आदमी की शक्ति के बारे में क्या कहेंगे, ताकत के बारे में क्या कहेंगे, आदमी की किस आदमी की, आप सुनिए सुनिए पहले सुनिए आप सुनिए किस आदमी की सोच क्या होती है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता किस आदमी की सोच क्या होगी। आप सुनिए पहले किस आदमी की सोच, आप मतलब घरों में आग लगवाने देंगी, आप इस तरह से आगजनी करने देंगी? उसके पास क्या तरीका है पुलिस के पास उस घटना को रोकने के लिए? आप आगजनी की बात कर रही हैं, नहीं तो कैसे करें? आप जाइए, आप जाकर रोकिए ना, आप बच्चे के साथ उसको क्यों जोड़ रही हैं? आप बच्चे के साथ उसको क्यों जोड़ रही हैं? आप बच्चे के साथ, आप तो दोनों राजनीति करने लग गए, आप और आप तो दोनों राजनीति करने लगे। बच्चे से आपको संवेदना, आपको बच्चों से संवेदना नहीं है, आप दोनों का बच्चों से संवेदना नहीं है। आप तो यहाँ पे अपनी पार्टी का एजेंडा तय करने आए हो, आप दोनों अपनी पार्टी का एजेंडा तय करने आए हो। हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, हम दुखी हैं, पर पार्टी का, पर पार्टी का एजेंडा मत चलाइएगा, पार्टी का फादर बींग ए फादर 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 आप महिला रो सकती है, फादर रो नहीं सकता, माँ रो सकती है, बाप रो नहीं सकता, बाप केवल उस बात का उत्तर दे रही हूँ, आपको भी दुख उतना ही होता है जितना बाप होता है। लेकिन जैन साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पूछिए पूछिए, कि अगर किसी को तकलीफ है, स्कूल के मैनेजमेंट से परेशानी है, स्कूल की मनमानी से परेशानी है, स्कूल की गुंडागर्दी से परेशानी है, और कोई किसी सांसद मंत्री या मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर जाता है, तो क्या यही जवाब मिलना नहीं चाहिए? मैं दे रहा हूं ना, क्या मुख्यमंत्री द्वारा जो जवाब दिया गया है क्या यही जवाब मिलना चाहिए? क्या इसीलिए जनता वोट करती है, आपको चुनकर भेजती है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, देखिए कौन मुख्यमंत्री कौन क्या जवाब देता है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं इसका गुनाहगार अपने आप को मानता हूं। क्या यही जवाब देना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बच नहीं सकते, क्या यही जवाब देना चाहिए? मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कौन क्या बोलता है। तरीके से पूछ रहा हूं, अगर आप किसी के साथ पास परेशानी लेकर जाते हैं और वो मुख्यमंत्री है, जनप्रतिनिधि है, तो क्या यही जवाब होना चाहिए? एक मैनेजमेंट के पास अगर आप जाते हैं तो वो ये जवाब देता है, आपको बोलना चाहिए कि आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए, मैं एक अधिकारी नियुक्त करता हूं, वो जाकर देखेगा, ये आपके पास आपका पूरा स्टाफ होता है सर, देखिए, और आप कहें कि इनकी समस्या क्या है, इनको देखिए, बात कीजिए और समस्या का निदान कीजिए। सर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता, मेरे प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पार्टियां होंगी, मेरे प्रशासन, स्कूल प्रशासन अगर आपसे इस प्रकार का व्यवहार करता है तो मैं उसको कंडेम करता हूं। आप पहले मैनेजमेंट के पास जाइए, अगर वो आपकी नहीं सुनते तो आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाइए। आप क्या मानते हैं, क्या यही व्यवहार होना चाहिए? जी बिल्कुल, जो व्यवहार किया गया माता पिता के साथ, स्कूल की मनमानी, उनकी गुंडागर्दी को लेकर आप मुख्यमंत्री से मिलते हैं और मुख्यमंत्री क्या यही कहेंगे कि पंगा मत लेना वरना बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा? बिल्कुल गलत बात है ये, और इसमें हुआ ये है कि पब्लिक अगर वहां पर पहुंच रही है, पेरेंट्स अगर वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी एक छोटी सी विनम्र डिमांड है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए जब वो मांग करते हैं तो उसके लिए पुलिस की लाठियां उनके सर पर पड़ती हैं, उनको मारा जाता है। और मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूं कि खट्टर साहब का एक स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में खट्टर साहब ये बोल रहे हैं कि जो स्कूल है अगर उसको बंद किया जाएगा तो बच्चों के भविष्य से खेला जाएगा। एक तरफ वो ये वाली बात बोल रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये वाली बात बोल रहे हैं कि स्कूल से पंगा मत लेना। इससे साफ साफ चीजें ये दिख रही हैं कि इनके ऊपर एक मखौटा है। दीपिका जी, क्या ऊपर मखौटा है? लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत है कि मुख्यमंत्री को ये तक कहना पड़े, बच्चे के पेरेंट्स ने अपील किया कि पंगा मत लेना, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। आदित्य जी, आप दिव्यांश के, आप दिव्यांश के वकील हैं, सामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। दिव्यांश की मृत्यु जो हुई थी रियान इंटरनेशनल स्कूल बसंत कुंज में हुई थी, मुझे अच्छा लगता अगर आप आज ये भी पक्ष रखते कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जिसके अंडर दिल्ली वाला स्कूल, हरियाणा पर आइए दीपिका जी, हरियाणा पर वापस आइए, हरियाणा पर वापस आइए। मेरा सवाल आपसे ये है, आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप राजनीतिक पार्टी की प्रतिनिधि हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति अगर किसी जनप्रतिनिधि के पास अपनी परेशानी, अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है, तो क्या उसे ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए? क्या ऐसा ही जवाब मिलता है हरियाणा में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता
कि अगर आप हरियाणा सरकार के कोई प्रतिनिधि को इस डिबेट में बिठाते, परंतु मैं आपको यह भी कहना चाहूंगी क्योंकि आप इसका जवाब नहीं दे पा रही कि मैं इसका जवाब क्या दूं, मनोहर लाल इसका जवाब क्या दूं क्योंकि सब कुछ कैमरे के सामने, टीवी के सामने। खट्टर जी की इमेज जो है बिल्कुल साफ है और बेदागी है, वो हमने देखा डेरा के मामले में देखा कि धारा 144 होने के बावजूद कितने लोग थे। यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगी कि पिछले ही हफ्ते एक बहुत बड़े चैनल आपकी अदालत में 1.5 घंटा उन्होंने इस बात की सफाई दी है, और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप YouTube में जाएं और मिस्टर खट्टर जी का वो इंटरव्यू देखिए जो उन्होंने, मैं भी आपको बोलता हूं कि इससे भी मैं YouTube पर डालूंगा जिससे लोग कम से कम ये देख सके, ये लोग देख सके कि जब बच्चों के माता पिता स्कूल के मैरिज फंड से परेशान होकर वहां पर पहुंचते हैं तो जवाब मिलता है स्कूल के पंगा से मत लेना। आप उनका डेरे के मामले में खट्टर जी का क्या पक्ष है और रियान इंटरनेशनल स्कूल वो बराबर बयान देते रहे हैं। पूछ रहा हूं कि क्या किसी जनप्रतिनिधि को ऐसे बिहेव करना चाहिए या उनकी परेशानियों को समझना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे खुशी होती मनोज जी, मुझे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूं कि मैं उनका पर्सनल रूप से जानती हूं, बहुत ही विनम्र और बहुत ही नेक इंसान है। मुझे खुशी होती है कि अगर आप उनका पक्ष भी यहाँ लेके आते तब ये सम होता। नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं जवाब नहीं दे रहे हैं। बात इसकी अब कैसे नहीं जाएं? बात इसकी नहीं है, ये कैसे ये इसको 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 राजनीतिक तूर देना, मैं ये समझती हूँ। मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं, मेरे को वंदना जी मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं, दीपिका जी मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं, सारी राजनीति स्कूल से पंगा नहीं लेना है, सारे समाज को साथ आना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के समाज को साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस को अधिकार नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने 66 साल तक रूल किया है, जितना भी इस देश में भट्टा बैठा है कांग्रेस की वजह से बैठा है। मैं किसके बारे में बोलना नहीं चाहती, कांग्रेस को आज कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कांग्रेस को आज कोई नैतिक अधिकार कांग्रेस बीजेपी पर चली गई, फिर बात कांग्रेस बीजेपी पर चली गई। दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य देश का कि मुद्दा कोई हो लेकिन बात राजनीति पर आकर टिक जाती है, बात राजनीति पर आकर टिक जाती है। एक बार और समझ लीजिए कि आखिर जब बच्चों के परेशान माता पिता पहुंचते हैं तो जनप्रतिनिधि से क्या जवाब मिलता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से क्या जवाब मिलता है? एक स्कूल से पंगा मत लीजिए वरना बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए, यकीन कर लीजिए। परसों भी गए थे आपके पास डीओ ऑफिस में, सुबह से 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। सर 3 साल से हर बार ऐसा हो रहा है, सर इन्होंने टॉप की है दिनेश नरू, दिनेश नरूला जी हर बार मत करो, हर बार करते हो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए आप एक आध बार करके जो बात समझौता होता है समझौते करने पड़ते हैं। अगर गुरु पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो स्कूल चलाए बैठे हैं, इसलिए मिलजुल करके जो कुछ करना सर जो करना आप एक बार कर लीजिए, बार बार करेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। ये तस्वीर हम इसलिए दिखाना चाहते थे कि प्रशासन को समझना चाहिए, सरकारों को समझना चाहिए, व्यवस्था है, लोग हैं, लेकिन बस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता। अगर वो हो जाए ना तो दिव्यांश जैसी घटना ना हो, प्रद्युम्न जैसी घटना ना हो। बस ये तस्वीर सिर्फ इसलिए थी, राजनीति के लिए नहीं, राजनीतिक बहस के लिए नहीं, केवल समाज को, सत्ता को और सरकार को जागरूक करने के लिए। चीजों को आप समझ रहे होंगे, लेकिन समय का अभाव है, इस चर्चा को मैं यही खत्म करना चाहता हूं। मैं शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का और बस संकेत इसी के साथ ही, व्यवस्था बेहतर हो जिससे कम देश के नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित रखे। शुक्रिया, समय के साथ चलते रहिए बाकी खबरों के लिए।